प्रिय छात्रों नमस्कार। आज हम आपको त्रिकोणमिति का एक प्रश्न समझा रहे हैं। ये प्रश्न कक्षा 11 की NCERT की गणित की पाठ्यपुस्तक से लिया गया है। ये प्रश्न प्रश्नावली 3.3 का 25वां प्रश्न है, जो पेज नंबर 82 पर है। आज के प्रश्न के अनुसार हमारा प्रश्न है, सिद्ध करो कॉस 6x बराबर 32 कॉस की पावर 6x माइनस 48 कॉस की पावर 4x प्लस 18 कॉस की घातांक 2x माइनस 1। क्लियर? तो हमारे लिए ये सिद्ध करना है ये पद इस पदों के बराबर होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं, कभी हम प्रश्न को LHS से करते हैं, कभी RHS से करते हैं, और कभी कुछ दूसरी विधियां होती हैं उनसे करते हैं, जो मैं आपको समय समय पर बताता रहता हूं। आज हम ये प्रश्न जो अपना कर रहे हैं वो LHS से कर रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, जब हम LHS से किसी प्रश्न को करते हैं तो सबसे पहले हम उसके ऊपर LHS लिख लेते हैं, और यदि हमारा उद्देश्य RHS से करने का है तो हम RHS लिख लेते हैं, और वो लिखने के बाद वह पक्ष पूरा का पूरा उतार लेते हैं। अब चूंकि हम LHS से कर रहे हैं, इसलिए सबसे पहले हमने लिख दिया LHS बराबर, और ये LHS जो हमारा ये है cos 6x, ये वैसा का पूरा उतार लिया। अब देखिए, अब हम इस पर ये विचार करेंगे कि इस प्रश्न को हम किस तरह से हल करें। देखिए, हमारे पास सूत्र जो हैं cos 3a के सूत्र भी हैं और cos 2a के सूत्र भी हैं। तो अब हम पहले ये विचार करेंगे कि हमें इन सूत्रों की सहायता से करना सुगम रहेगा सवाल के लिए, या इस सूत्र की सहायता से करना सुगम रहेगा। और फिर इसके भी तीन तरह के सूत्र हैं, फिर उसमें अगर मान लीजिए हम इस सूत्र के आधार पर कर रहे हैं तो कौन सा सूत्र लगाना सुगम रहेगा, किस सूत्र से हमारे लिए मेहनत कम करनी पड़ेगी, इन सब बातों पर विचार करना पड़ता है। और ये विचार जो है थोड़ा कुछ अभ्यास से आता है। अब यदि हम मान लीजिए इसमें cos 3a बराबर 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a के फार्मूले से करना चाहते हैं, तो इस cos 6x के स्थान पर हम लिखेंगे cos 3 इंटू 2x। अब यहाँ पर 2x जो है वो हमारा a का काम करेगा और ये वाला फार्मूला लगाया जाएगा। अगर इसको हम थोड़ी देर को a मान लें तो हमारा बन जाएगा ये cos 3a, और यदि हम इसको cos 2a के सूत्र से करना चाहते हैं तो फिर हमारे लिए लिखना पड़ेगा cos 6x, इसके स्थान पर लिखना पड़ेगा cos 2 into 3x, और अब यहां पर हमारे लिए 3x को ये मानना पड़ेगा तभी बन जाएगा हमारा cos 2a। तो ये हमने विचार किया कि इस प्रश्न को इस सूत्र से करने में हमें सुविधा ज़्यादा होगी, इसलिए इसको हमने लिख दिया इस फॉर्म में, cos 6x को लिख दिया cos 2 इंटू 3x, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x आ जाएगा। केवल हम रूप बदलते रहते हैं प्रश्न को जब करते हैं, तो ये वाली लाइन इसके बराबर होगी, ये वाली लाइन इसके बराबर होगी, ये वाली लाइन इसके बराबर होगी, ये वाली लाइन इसके बराबर होगी। जब हम बराबर का निशान लगाते हुए चल रहे हैं तो इसका मतलब यह है हर एक नीचे वाली लाइन जो है उससे ऊपर वाली लाइन के बराबर है। केवल हम गणित के नियमों को लगाकर, सूत्रों को लगाकर, अपनी सुविधा के अनुसार अपने उद्देश्य पर पहुँचने के लिए सवाल की शक्ल को बदलते रहते हैं। तो यहाँ पर हमने कर दिया cos 2 इंटू 3x। अब इस 3x को हम a मान लेंगे तो हमारा ये हो जाएगा cos 2a। क्लियर? ये हमने आपको जो दो लाइनें लिखी हैं ये वास्तव में आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि इस प्रकार से एक एक लाइन लिखी जाएगी तो प्रश्न बहुत बड़ा हो जाएगा और आप जो है मौखिक अभ्यास नहीं कर पाएंगे, आपको फिर एक एक लाइन लिखने की आदत पड़ जाएगी। तो जो लाइन छोड़ी जा सकती है उन लाइनों को छोड़ेंगे। ये लाइन तो हमने आपको समझाने के लिए लिख दिया है। तो यहाँ पर हमने 3a को मान लिया, 3x को मान लिया a, तो 3x बराबर जब a मान लेंगे तो ये हमारा हो गया cos 2a। अब हमारे पास cos 2a के तीन सूत्र हैं। एक cos 2a बराबर होता है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a,
एक कॉस टू ए बराबर होता है टू कॉस स्क्वायर ए माइनस एक, और एक कॉस टू ए बराबर होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए। हम फैसला ये करेंगे कि हमें इनमें से कौन सा सूत्र लगाना उपयोगी है। क्लियर? तो देखिए, आप एक विचार कीजिए, यहां पर आंसर में हमारे लिए माइनस एक लाना है और माइनस एक हमारे लिए इस सूत्र में मिल रहा है, तो हमने फैसला किया कि ये सूत्र लगाना जो है हमें सुविधाजनक रहेगा, हो सकता है इससे हमारा आंसर आसानी से आ जाए। क्लियर? तो हमने तुरंत इस सूत्र को लगा दिया और इस कॉस टू ए के स्थान पर लिख दिया इस सूत्र की सहायता से टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन। तो देखिए, आपको जो माइनस वन आंसर का लाना था यहां पर, वो तो आपका एक प्रकार से आंसर आ चुका, इसको तो आप छुएंगे नहीं, ये तो अंत तक वैसा का वैसा चलता रहेगा। क्लियर? अब हमारा जो ये है, यहां पर हम एक स्थान पर मान लगा देंगे तो इस लाइन से हमारी लाइन बन जाएगी दो कॉस स्क्वायर थ्री एक्स माइनस एक। तो अब आप इस लाइन को अगर नहीं लिखेंगे तो आपकी इससे डायरेक्ट डी लाइन प्राप्त होगी, और ये गणना जो है हमने लाइन में मिटा दी, ये गणना इसका मतलब आपने मन में कर ली। क्लियर? अब जैसा कि आपको हमने बताया था, साइन स्क्वायर ए लिखा हुआ है, इसको हम साइन ए का होल स्क्वायर लिखेंगे, साइन ए स्क्वायर नहीं लिख सकते। ऐसा क्यों होता है, ये आपको जानकारी होना चाहिए, और यदि जानकारी नहीं है तो आप जानकारी करिए, चाहे वो मैं बताऊंगा आपको किसी वीडियो में, तब आप उसको ध्यान से समझिए, या पुस्तकों में लिखा हुआ कहीं मिल जाए उससे आप समझिए, या किसी अन्य प्रकार से समझिए, वरना आपको ये स्पष्ट होना चाहिए कि ये इसके बराबर क्यों नहीं है और ये इसके बराबर क्यों है। जब सब बातें स्पष्ट होती हैं तो प्रश्न बहुत ही आसान लगने लगता है। क्लियर? तो देखिए, हमने आपको समझाने के लिए तुरंत इस दो तो वैसे के वैसे लिख दिए, और एक हमारे लिए आंसर बनाना था माइनस का, एक हमने ये लिख दिया और इसको इस फॉर्म में लिख लिया। अगर मान लीजिए कॉस का है, कॉस की पावर थ्री है, तो इसको लिखेंगे कॉस ए की पावर थ्री। अगर टेन का है तो टेन का लिखेंगे, तो हमने इसको लिख दिया कॉस तीन एक्स की पावर टू। ये केवल लाइन आपको समझाने को लिखी है, अगर आपके अंदर क्षमता है और आप समझ सकते हैं कि इस लाइन के लिखे बिना काम चल जाए, तो आप डायरेक्ट इससे ये लाइन लिख सकते हैं। ठीक? तो अब आपने जब ये लाइन लिख ली, फिर आप यहां पर आ जाइए। आपको एक सूत्र बतलाया था हमने, कॉस थ्री ए का सूत्र होता है चार कॉस क्यूब ए माइनस थ्री कॉस ए। अब यहां पर ए का काम जो है वो एक्स कर रहा है, तो इसमें इतने हिस्से में हम जो है ये वाला सूत्र लगा देंगे। तो यहां पर ए का काम कौन कर रहा है, एक्स। तो इस सूत्र के आधार पर ये लाइन जो है आपका कॉस थ्री एक्स है, इसके स्थान पर आ जाएगा आपका चार कॉस की पावर थ्री एक्स माइनस थ्री कॉस एक्स की होल स्क्वायर, और माइनस एक आपका ये आ जाएगा और दो ये वाले आ जाएंगे, तो आपको ये लाइन प्राप्त हो जाएगी दो ब्रैकेट चार कॉस की पावर थ्री एक्स माइनस थ्री कॉस एक्स क्या होल स्क्वायर माइनस वन। क्लियर? अब आप थोड़ी देर के लिए मन में इसको ए मान लीजिए और इसको बी मान लीजिए, तो आपको फिर ये फार्मूले लगाने पड़ेंगे। आप जानते हैं एलजेब्रा में आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब पहले वाले पद का वर्ग, और बी स्क्वायर का मतलब दूसरे वाले पद का वर्ग, और माइनस सूत्र का ये आ जाएगा, और टू ए बी का मतलब इन दोनों पदों की गुणा का दूना। तो बिल्कुल यही काम हम यहाँ पे कर देंगे। अब हमारा मान लीजिए आपकी समझ में नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर ए लिखेंगे, यहाँ पर बी लिखेंगे, फिर मान लगाएंगे इस सूत्र में, फिर उसके स्थान पर ए और बी का मान लगाएंगे। तो अगर इस प्रकार से एक एक लाइन लिखी जाएगी तो बहुत कठिन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या किया हमने, इस सूत्र को लगाया, तो हम क्या करेंगे, पहले पद का वर्ग ए का वर्ग, इसका मतलब क्या हुआ चार कॉस की पावर तीन इसका वर्ग, तो इसका वर्ग कितना आ जाएगा सोलह कॉस की पावर छः ए। तो यहाँ पर चूंकि एक्स में है इसलिए आपका ये आंसर एक्स में आएगा, तो इसका आ गया सोलह कॉस की घातांक छः एक्स माइनस इन दोनों की गुणा का दूना। तो देखिए माइनस तो सूत्र का ये लग गया, तीन चौक बारह ये हो गए, और बारह का दूनी हो गए चौबीस, और इसकी गुणा होगी, तो गुणा में घातांक जुड़ती है अगर एक से पद होते हैं तो ये कॉस की पावर तीन है और ये कॉस की पावर एक है, तो गुणा करेंगे तो कॉस की घातांक चार हो जाएगी। तो आपने लिख दिया चौबीस
कॉस की घातांक 4x प्लस दूसरे वाले पद का वर्ग, तो हम इसका वर्ग करेंगे तो 3 × 3 = 9 कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा हमारा, क्लियर। अब और दो वैसे के वैसे लिखे जाएंगे हमारे। अब एक ब्रैकेट है ये हमारी है, और इसके ब्रैकेट के बाहर एक संख्या लिखी हुई है 2 हमारी, और इसके बीच में कोई इंसान नहीं है, तो आप जैसा जानते हैं यहाँ पर गुणा का चिन्ह माना जाएगा। जब गुणा का चिन्ह माना जाएगा तो ब्रैकेट को खोलेंगे तो क्या होगा, इस 2 से इस ब्रैकेट के अंदर जितने पद लिखे हैं हर एक पद को, प्रत्येक पद को 2 से हमें गुणा करनी पड़ेगी। तो हमने इसको 2 से गुणा करी तो ये हो गया 16 × 32 कॉस की पावर 6x माइनस 2 से गुणा करी 24 × 48 कॉस की पावर 4x प्लस इस 2 से गुणा करेंगे 2 × 9 = 18 कॉस की पावर 2x और माइनस 1 ही आ गया हमारा, क्लियर। तो देखिए हम इस पद से चले आए LHS से, और चलते चलते अपने नियम लगाने के बाद, सूत्र लगाने के बाद, मेरी आइडेंटिटी लगाने के बाद, और अपना मस्तिष्क लगाने के बाद, विचार करने के बाद मस्तिष्क लगाते गए, दिमाग लगाते चले गए, और हमने देखा हम RHS पे आ गए, क्लियर। तो हमारा ये आंसर आ गया, तो तुरंत हमने लिख दिया RHS और यहाँ पर लिख दिया प्रूवड। इस तरह से हमारा ये प्रश्न हल हो गया। अगर आपका मन इस प्रश्न को इस तरह से न करने का हो, मान लीजिए आपका ये लिखा हुआ है, आप कहते हैं हम cos 2a का फार्मूला नहीं लगाएंगे, हम तो स्टार्टिंग में cos 3a का फार्मूला लगाएंगे, तो आप फिर इसको ऐसे लिखेंगे तो इसकी प्रक्रिया थोड़ी सी बदल जाएगी। अब उसमें आपको कितना ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा, कितना कम करना पड़ेगा, कितनी कठिनाई होगी, वो अलग बात रही। मैंने तो विचार करने के बाद ये लगाया, हिसाब लगाया कि इस तरह से करने में लाभ है, इसलिए मैंने इससे कर दिया। अगर आप मान लीजिए इस तरह से करते हैं और आपके मस्तिष्क में नहीं आता है कि इस फार्मूले से होगा, आपने डायरेक्ट ये वाला फार्मूला लगा दिया, तो सवाल तो आपका तब भी हो जाएगा। अब ये कदलान बढ़ जाएंगी घट जाएंगी, हो सकता है बस के बाद, अगर आपने डायरेक्ट ये लगा दिया तब भी हो जाएगा। लेकिन हमें ये अगर हम पहले से विचार कर लें कि हमें आंसर में क्या लाना है, किस सूत्र से आंसर आने की संभावना अधिक है, तो हमारा गणित के प्रति रुझान बढ़ जाता है, हमें गणित संलग्न लगता है, हमारा टाइम बचता है और प्रश्नों को हम आसानी से कर सकते हैं। गणित कोई कठिन विषय नहीं है। होता क्या है दरअसल में, होता यह है कि जैसे मान लीजिए आपसे किसी ने कहा कि 2 सेकंड के अंदर आप या एक मिनट के अंदर आप वर्गमूल निकालना सीखिए, आप वर्गमूल कैसे निकालना सीख लेंगे, जो आपको बतला रहा है एक मिनट के अंदर वर्गमूल निकालना, उसने भी एक मिनट के अंदर नहीं सीखा होगा, उसने भी तमाम विचार करे होंगे, एक दिन विचार करा हो, 2 दिन विचार करा हो, घंटे भर विचार करा हो, 3 घंटे विचार करा हो, और विचार करने के बाद उन नियमों को उसने बनाया होगा, उसके बाद वो आपको बतला रहा है, ऐसे नहीं बतला रहा है वो। और फिर नियम जिसने बनाया उसके लिए सब नियम और पहले के मालूम है। जैसे मान लीजिए कहता है वो आपके लिए कि अगर मान लीजिए इकाई के स्थान पर 3 है तो उसका पूरा वर्गमूल नहीं आएगा, ठीक है ना। तो आपको ये मालूम होना चाहिए इकाई का स्थान कौन सा होता है, और 3 है तो वर्गमूल क्यों नहीं आएगा, आप रटेंगे कहाँ तक। तो हर एक बात को जो नियम बनाए जाते हैं वो नियम किसी सिद्धांत के आधार पर बनाए जाते हैं। आप उन सिद्धांतों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा विचार करते रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा चिंतन करेंगे, उन विचारों को समझने का प्रयास करेंगे ये नियम कहाँ से बना, तो आपको प्रश्न के हल करने में काफ़ी सुगमता हो जाएगी। आज हम आपको ये प्रश्न चूँकि पूरा हो गया, अपनी बात को समाप्त कर रहे हैं, आपको हम अपना व्हाट्सअप नंबर दे दे रहे हैं, आपको यदि किसी प्रकार की परेशानी हो तो आप जो है हमारे व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हैं, आपके प्रश्न का उत्तर देने का हम प्रयास करेंगे। चौरानवे 125 17 959 94125 17 959 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप अपनी प्रॉब्लम को भेजिए, हम आपकी प्रॉब्लम को हल करने का प्रयास करेंगे। हाँ एक बात और भी है, हम इस प्रकार से आपकी NCERT की जो कक्षा 11 की पुस्तक है उसके सभी प्रश्नों को लगभग हल करा के दिखलाने का प्रयास करेंगे। हो सकता है कि उसमें कुछ टाइम तो लगेगा ही, अभी तो हम कोई एक प्रश्न ले लेते हैं, कभी कहीं से एक प्रश्न ले लेते हैं और वो आपको हल करके दिखला देते हैं, फिर हम ये विचार कर रहे हैं कि पूरी प्रश्नावली को एक तरफ से आपको करके दिखला दिया जाए, जिससे कि आपको अपने नोट्स बनाने में आसानी रहे और आपको समझने में आसानी रहे। तो फिर आप आगे के लिए हमारे वीडियो देखते रहिए और अपने उसका लाभ उठाइए। आज हम बात को यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।